चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 जर्नी ऑफ सीड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड? सीड क्या होता है? बीज. क्या होता है? एक बीज. सीड क्या होता है? एक बीज. सबसे पहले एक प्लांट फिर ट्री बनता है. किससे बनता है? एक सीड से बनता है, छोटे से बीज से बनता है. ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, उससे बनता है. जर्नी ऑफ सीड, कैसे एक सीड, एक छोटा सा पौधा प्लांट बन जाता है, फिर उसके बाद बड़ा सारा ट्री बन जाता है और हमें फ्रूट्स देता है, प्लांट्स देता है, है ना, छांव देता है, कितना कुछ देता है फिर वो पेड़. उसके बारे में बेटा एक छोटे से सीड की जर्नी की कहानी है ये इस चैप्टर में. सो लेट्स रीड. शुगर कैन वॉज बींग प्लांटेड इन द फील्ड. शुगर कैन को कहते हैं हम लोग अपने खेतों में उगाते हैं. माई मदर प्रिपेयर्ड मील फॉर द वर्कर्स. कहते जैसे आप लोगों के खेत होंगे गाँव में, तो वहां पे क्या होता है, कर्मचारी लगे होते हैं, कामे लगे होते हैं, जिन्होंने कह देते हैं पंजाबी विच, है ना. तो क्या होता है, मम्मी हमारे क्या करते हैं, खाना या चाय प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं उनके लिए जो खेतों में काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिखा है, ऑथर लिख रहा है कि मेरी मम्मी जो है मील, एम ई ए एल मील, अंडरलाइन द वर्ड मील, एम ई ए एल मील. मील का मतलब है खाना. ठीक है, तो दोपहर का खाना जो है, मील जो है वो बना रही है उनके मदर वर्कर्स के लिए, जो वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए. माई नेफ्यू सुखमन एंड आई टुक मील टू द फील्ड. कहते मेरा भतीजा जो है, तो वो सुखमन उसका नाम है, एंड आई टुक, मैं, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, खेतों में खाना लेके अभी जा रहे थे. द डिश मेड फ्रॉम चना ग्राम वॉज वेरी टेस्टी. चने से बनी हुई सब्जी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी वो. चने को इंग्लिश में ग्राम, जी आर ए एम, ग्राम कहते हैं. एवरीवन एट अप टू हिज फिल. जितना कोई खा सकता था, भरपूर मतलब पूरा पेट भर के सबने खाया. एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, थोड़ी टाइम के लिए. फॉर अ व्हाइल इसका मतलब क्या होता है, फॉर अ व्हाइल का थोड़ी देर के लिए. रिलैक्स रेस्ट किया उन्होंने, थोड़ी देर के लिए क्या किया, रेस्ट किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद. आफ्टर का मतलब बाद, सम कुछ समय बाद. माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, सुखमन्स फादर, जिसका नाम क्या था, सुखमन के पापा जो थे, मेरा बड़ा भाई, प्रिपेयर टी, वो चाय ले आया बना के. देखो, वी ऑल टुक टी, हम सब ने चाय पी. एंड स्टार्टेड द प्लांटेशन अगेन, दोबारा फिर प्लांट उगाने शुरू कर दिए. स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर कैन वर बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड. छोटे छोटे जो पीस थे किसके, शुगर कैन के, गन्ने के छोटे छोटे जो पीस थे, कितने वो खेतों के अंदर हम लोग बो रहे थे, लगा रहे थे. एल्डर ब्रदर वॉज शोइंग ग्राम सीड्स इन बिटवीन द शुगर कैन प्लांट्स. जो बड़ा भाई था वो क्या कर रहा था, वो चने के बीज जो था वो बो रहा था गन्नों के, शुगर कैन के, गन्ने के बीच बीच में, गन्ने के पौधों के बीच में वो चने के जो पौधे थे वो लगा रहे थे. कौन? बड़े भाई. सुखमन वॉज सरप्राइज टू सी इट. सुखमन बड़ा ही हैरान हुआ. सरप्राइज का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना. सी का मतलब है देख के, तो इसको देख के वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया. पापा, ग्राम्स आर फॉर ईटिंग, व्हाई आर यू शोइंग द ग्राउंड इन द सॉइल. पापा, चने जो होते हैं वो तो खाने के लिए होते हैं, आप इनको मिट्टी में क्यों लगा रहे हो, मिट्टी में क्यों आप इनको उगा रहे हो. माय सन, ग्राम्स कैन बी यूज्ड एज सीड फॉर न्यू क्रॉप एंड फूड एज वेल. क्या लिखा है, क्रॉप का मतलब बेटा क्या होता है, फसल. ठीक है, क्रॉप, सी आर ओ पी, क्या होता है, क्रॉप, अंडरलाइन कर लो. क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल. तो क्या लिखा है, कहते हैं माय सन, मेरे बेटे, जो चने होते हैं उनको यूज कर सकते हैं हम लोग सीड के लिए, बीज के लिए, नए क्रॉप्स को उगाने के लिए, एंड फूड भी, मतलब सब्जियां भी, रोटी भी इससे हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, सुखमन आस्क्ड होल्डिंग माय हैंड, मेरा हाथ पकड़े हुए सुखमन ने पूछा, कैन वी ईट अदर सीड्स ऑल्सो, क्या हम दूसरे और कोई ऐसे और चीजें होती हैं जिनके हम बीज खा सकते हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बीज खा सकते हैं. सो देखो, यस माय सन, देयर आर मेनी, हाँ मेरे बच्चे, और भी बहुत सारे सीड्स हैं जिनको हम खा सकते हैं. यू कैन सी सम सीड्स इन आवर किचन लाइक जीरा. ठीक है, कहते आप अपने किचन में आप देख सकते हो अपने मदर की हेल्प लेके कि किचन में कौन कौन सी और सीड्स हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं. क्यूमिन सीड, जिसको हम बोलते हैं जीरे को, क्यूमिन सीड बोलते हैं. सम सीड्स आर यूज टू गेट फ्लोर लाइक वीट. ठीक है, जैसे कनक है, कनक के भी तो बीज ही होते हैं ना,
जो पौधे में लगते हैं उसको हम पिसवाते हैं और क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और आटे से डो बना के हम फिर उसके रोटियां बनाते हैं, फुलके बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, सम सीड्स आर यूज्ड टू गेट फ्लोर लाइक व्हीट। आटा पाने के लिए हम क्या करते हैं, गेहूं जो होती है उसको पिसवाते हैं, उसको यूज करते हैं। सुकमन यू मस्ट हैव सीन मस्टर्ड ऑयल। सुकमन क्या तुमने सरसों का तेल देखा है? ठीक है, आप लोग गांव में बेटा रहते हो, सरसों भी लगाते होंगे, मस्टर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सरों का तेल भी यूज करते जिस तरह ना सब्जी विच। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स। ये कहाँ से आता है, ये मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आता है? सरसों का तेल सरसों के बीज से आता है। एक्सट्रैक्ट अंडरलाइन करो, एक्सट्रैक्टेड निकालना। ओके, With the help of your family members, complete the following list. Okay, so अभी आपने क्या करना है, इन सब जो ये आपके यहाँ पे blanks दी हुई है इसको आपने fill करना है। Seed used as spices, मसाला। Spices क्या होता है? मसाला। Okay, so कहते हैं कि वो कौन से ऐसे बीज है जिनको हम मसाले के लिए use घर में करते हैं। जीरा हो गया है ना, अजवाइन हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, और काली मिर्च हो गई है ना, वो सारी आपने यहाँ पे लिखना है। सीड्स यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोर। अब आटा है ना, गेहूं, जैसे गेहूं से आटा बनता है वैसे, और कौन से ऐसे सीड्स है जिनसे आटा बनता है? वीट हो गया है ना, कणक का आटा, चावल का आटा भी होता है उधर गुजरात में, काफी चलता है, राइस, राइस का आटा। फिर उसके बाद जैसे बाजरे का आटा होता है, मक्की का आटा होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो जो आपका जो भी आप घर पे यूज करते हो। सीड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। अब कौन से और बीज हैं जो ऑयल निकालने के लिए यूज किए जाते हैं? मस्टर्ड, ठीक है, और कौन कौन से हैं यहाँ पे आपने वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंकल आई लाइक फ्लावर्स। कहते हैं अंकल मुझे फूल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। यू विल यू गेट मी सीड्स ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड। क्या आप मुझे मैरीगोल्ड और रोज के बीज ला के दोगे? सुकमन आस्क मी, सुकमन ने मुझसे पूछा कि क्या आप मुझे रोज की और मैरीगोल्ड के बीज जो है लेके दोगे मुझे? डेफिनेटली माय सन, हाँ मेरे बेटे, सीड्स ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी कलेक्टेड। मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल है उसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। यू नो दैट रोज इज नॉट ग्रोन विद सीड्स। कहते जो रोज है, गुलाब का फूल होता है, वो बीज के साथ नहीं उगता, उसका कोई बीज नहीं होता, उसकी कलम लगती है। उस कलम को हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ग्राफ्टिंग। तो ये देखो रोज ग्राफ्टिंग हो रही है ये। ओके, ये कलम है उसकी, जब भी फूल ये लगाना होता है किसी ने तो इसकी कोई बीज नहीं होता, वो क्या होता है, इसकी कलम लेके काट के हम लोग जमीन पे लगाते हैं फूल के लिए। और ये क्या है? पत्थरचट। ये कैसा प्लांट है, इसको हम क्या कहते हैं? पत्थरचट कहते हैं। सो अंकल व्हाट इज ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, आपको बेटा क्वेश्चन भी आएगा आपको कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। अ ट्विग इज कट फ्रॉम द रोज। एक ट्विग छोटी सी है जो कली है इसकी, कहते हैं वो काट देते हैं रोज की, रोज प्लांट से, और उसको मिट्टी में दबाया जाता है। एंड इज शोन इन द सॉइल, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द लीव्स अपीयर ओवर द स्टेम। फिर क्या होगा? स्टेम, ये क्या होती है? एक स्टेम है ये। क्या है? ये एक स्टेम है। इस स्टेम के ऊपर क्या आने लग जाएगा? पत्ते आने लग जाएंगे। ओके, सो देखो पत्थरचट, जिसको हम क्या कहते हैं? बायरोफिलम भी कहते हैं। एक ऐसा पौधा है इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट। देखो ये नए पौधे कहाँ से उगते हैं? उनके पत्तों में ही उगते हैं। सम प्लांट्स आर प्लांटेड फ्रॉम रूट्स। कुछ पौधे जो होते हैं, कहते हैं हम रूट्स को यूज करके, जड़ों को यूज करके लगाते हैं। जैसे कि क्या होता है? शकरकंदी होती है, जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखिए, एक्टिविटी नंबर वन। देखो बेटा छोटा सा पौधा है, कैसे धीरे 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 है ना जर्मिनेट हो रहा है, और कैसे एक प्लांट के अंदर एक बदल जाता है ये, है ना। देखो टेक सम वीड शीट्स, कहते कुछ पौधे जो है आपने भी घर पे ऐसे करना है, तो ध्यान से देखना है आप सबने, फिर मुझे डेली उस पौधे को केयर करके उसकी फोटो क्लिक करके एक वीक तक भेजनी है, जब तक वो पौधा बड़ा नहीं हो जाता। ओके, देखो टेक सम वीड शीट्स, कहते थोड़े से कुछ पौधे जो है सीड, सॉरी बीज जो है, वीड के कणक के, वो लो। टेक सम फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द फील्ड, खेतों में से जो उपजाऊ मिट्टी है वो ले आओ। टेक अ कप ऑफ वाटर, एक कप जो है पानी का वो ले लो। टेक एटलीस्ट फोर पोर्ट्स, चार गमले लो, या कोई ग्लास, कोई बीकर, घर पे टूटे फूटे जैसे कई बार टूट जाता है कोई सामान उसको यूज कर लो आप, कोई डिब्बे पड़े हो घर पे, कोई बकेट पड़ी हो आपके, है ना, उसको यूज कर सकते हो।
नेम एवरी बीकर, हर एक को नाम दे दो ए बी सी डी इन पोटिंग. जो ए पोट है हमने क्या करना है, पुट सम वीट सीड्स एंड कीप इट इन सनलाइट. उसको क्या करना है आपने, उसको हमने बीज डालने उसके अंदर, उसको सनलाइट सूरज की रोशनी में उसको रख देना है. इन पॉट बी, पॉट बी के अंदर क्या करना है, पुट सम फर्टाइल सीड्स, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेनी है एंड अ फ्यू सीड्स, फिर क्या करना है कुछ बीज लेने हैं एंड कीप इन सनलाइट, उसको सूरज की धूप में रख देना है. ठीक है, पहले वाले में मिट्टी नहीं डालनी, पहले वाले में क्या करना है कल्ले बीज और रखने हैं उसके अंदर और सूरज की धूप में रख देना है. बट जो सेकंड है उसके अंदर क्या करना है हमने, उसके अंदर मिट्टी डालनी है, बीज डालने हैं और उसको धूप में रखना है. फिर नेक्स्ट देखो, इन पॉट सी पुट सम फर्टाइल सॉइल सो अ फ्यू सीड्स बट सॉरी पुट सम वाटर एंड कीप इन डार्क रूम एंड अलमीरा. कहते हैं एक सी पॉट लो जिसके अंदर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी डालो, उसके अंदर कुछ बीज जो है वो रख दो और उसके अंदर पानी डाल के कहते अलमारी के अंदर रख दो या किसी काले कमरे में जहाँ धूप नहीं जाती वहां रख दो उसको. नेक्स्ट देखो, डी पॉट लो, कहते उसके अंदर उपजाऊ मिट्टी डालो, सीड्स डालो, पानी डालो और उसको फिर सूरज की धूप में रख दो. पांच आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद देखोगे तो कौन से पौधा जर्मिनेट हुआ होगा, बताओगे, कौन बताएगा मुझे, अपनी साउंड अनम्यूट करके मुझे बताओ, बताइए बताओ बेटा, कौन बताएगा मुझे, शाबाश बताओ, कौन सा ए पोर्ट में, बी पोर्ट में, सी पोर्ट में, डी पोर्ट में, किस पोर्ट के अंदर जो पौधा है वो जर्मिनेट होगा. बताओ बेटा, कोई नहीं बता सकता, मैं बी पॉट में, बी पॉट में. एनीबॉडी एल्स, कोई और बच्चा बताएगा, यस टेल मी द आंसर, इज देयर एनीबॉडी हु नोज द आंसर. नितिश आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा. हां जी, और कोई बच्चा बताएगा, युवराज आप बताओ, हाँ जी कौन से पॉट में, डी पॉट में, राइट, वेरी गुड बेटा, डी पॉट में. ठीक है, सो जो सीड है ज्यादा जर्मिनेट करेगा डी पॉट में, लिखा भी हुआ देखो, सीड विल जर्मिनेट इन पॉट डी, पॉट डी के अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा. Why did seeds not germinate in other pots? कहते दूसरे पॉट्स में क्यों नहीं जर्मिनेट किया, बिकॉज किसी में मिट्टी नहीं डाली थी, किसी को धूप नहीं थी, धूप में नहीं रखा था, है ना, काले अंधेरे में रख दिया. और एक बीज को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए अच्छी, फिर बीज अच्छा होना चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, पौधे को पानी मिलना चाहिए, फिर ही एक हेल्थी वेल्थी जो जर्मिनेशन जो है वो हो सकती है सीड की. ओके, तो देखो इसको अंडरलाइन करो, एयर वॉटर एंड सनलाइट, क्या क्या चाहिए सीड की जर्मिनेशन के लिए, इट नीड्स एयर वॉटर सनलाइट, हवा चाहिए, पानी चाहिए और सूरज की रोशनी भी चाहिए. ठीक है, एक सीड को, एक बीज को पौधा बनने के लिए, अच्छा पौधा बनने के लिए उसको पानी, हवा और सूरज की रोशनी तीनों ही चाहिए. ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट, या आपने घर पे करके ये जो टेबल है इसको आपने फिल करना है. ठीक है, कौन सा आप बीज ले रहे हो आपने वो लिखना है, जब आपने इसको मिट्टी के अंदर बीजा तो उसकी डेट कौन सी थी, जब उसका छोटे से पत्ते निकल आए, छोटी सी उसकी स्टेम निकल के बाहर आई तो उसका क्या डेट थी उस दिन. ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उसकी कितनी हाइट हो गई, तो इंच टेप लेके उसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, स्केल लेके आप मेजरमेंट कर सकते हो, है ना. सो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 15 days ऑफ जर्मिनेशन, तो स्केल लेके आप देख सकते हो कि 15 दिनों के बाद उसका जो पौधे की हाइट है वो कितनी हो गई है. ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट, आपने सब बच्चों ने मुझे करके दिखाना है, मैं देखूंगी, मैं आपको रिमाइंड नहीं करवाऊंगी, बट आप लोग मुझे खुद बताओगे कि हमने ये चीज की है. ओके, यू कैन यूज योर स्क्रैप बुक और योर ईवीएस नोटबुक.
Next Sukman and I took empty lunch boxes and started back towards home. कहते मैं और सुकमन खाली डिब्बे जो थे लंच के वो लेके वापस घर आ रहे थे, लौट आ रहे थे. While passing by near by building, Sukman said, holding my arm. कहते एक पास से एक बिल्डिंग से गुजर रहे थे तो सुकमन ने मेरी जो आर्म थी पकड़ते हुए कहा, अंकल सी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द रूफ. देखो अंकल जो छत के ऊपर भी पौधे उगे हुए हैं. Who has planted them on the roof? उनको छत के ऊपर किसने उगा दिया होगा, है ना? कई बार आपने देखा है ना, जैसे कोई बरगद का पेड़ होता है कोई, है ना, वो ऐसे ही छत के ऊपर जो दीवारें होती हैं वहां पे आ जाते हैं. कोई पुराना पेड़ होता है गांव में कोई, है ना, आपके आसपास आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती है दीवारों में से निकल आता है पौधा. ठीक है. नो सुकमन, नो वन प्लांटेड दिस प्लांट्स. नहीं सुकमन, किसी ने ये पौधे नहीं उगाए हैं. जो बीज होते हैं, है ना, सीड माइट हैव रीच्ड ऑन द रूफ टॉप. सम किसी तरीके से जो बीज थे वो एक जगह से यहाँ से उड़ के वहां चले गए होंगे. अब कौन लेके गया होगा उनको, या तो हवा से चले गए या फिर जो पक्षी होते हैं, है ना, मुंह में डाल के वो वहां पे छत के ऊपर छोड़ाए जाके इस तरह से जो सीड है वो ट्रैवल करते रहते हैं, मोबाइलिटी होती रहती है उनकी एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. कौन लेके जाता है ऐसे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह? या तो हवा से जाते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं वो उनको लेके जाते हैं. ठीक है. माई सन, सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मेनी वेज. बहुत सारे तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जो ये बीज है जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द बर्ड्स टेक फ्रूट्स टू द रूफ एंड ईट देम. जो पक्षी होते हैं वो फ्रूट्स को छत पे लेके जाते हैं, उनको खाते हैं. द सीड्स आर लेफ्ट ऑन द रूफ. फिर क्या होता है, खाते खाते वो वहां पे बीज छोड़ देते हैं, है ना. तो सीड्स जो होते हैं वाइल्ड प्लांट, जैसे अख आर हेरी, बहुत ही उनके हेरी होते हैं बाल, उनके बाल होते हैं बहुत ज्यादा फ्रूट के ऊपर. आर कैरिड बाय विंड. वो क्या होता है, हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है. ड्यू टू इट्स वेट एंड साइज, की वेट और साइज की वजह से जो बीज होते हैं कॉन्ग्रेस ग्रास के वो हवा में उड़ जाते हैं और अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं. उत्कंडा एंड गुट पटना यूजली स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. कहते हैं ये वाले जो पौधे होते हैं वो जानवरों की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं. And reach other places, दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. Water lily and water hyacinth. बेटा इसको underline कर लो. Water lily and water hyacinth, जल कुंभी भी इन्हें कहते हैं, travel through water from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह travel करते रहते हैं पानी की help से. Okay? Things to remember. Small pieces of potato and sugar cane are planted in the field. तो क्या लिखा है, कहते हैं कि छोटे छोटे जो पोटैटो होते हैं उनके पीसेस एंड शुगर कैन के पीसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, धरती के अंदर, जमीन की मिट्टी के अंदर हम लोग उनको लगा सकते हैं. ठीक है. न्यू प्लांट्स ऑफ अ पत्थर चट ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट. एक ही पौधे के जो पत्ते होते हैं पत्थर चट के, उसी से उसके नए पौधे जो है वो बनते हैं. शकरकंदी जो होती है वो किससे बनती है, रूट, जड़ से. जड़ लगानी पड़ती है उसकी. शकरकंदी की क्या लगानी पड़ती है, जड़ लगानी पड़ती है. एयर वाटर एंड सनलाइट, ये सारी चीजें, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ठीक है, सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हमें तीन ही चीजें जो है वो चाहिए. नो लेट्स डू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर एमसीक्यू. सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. फ्रॉम विच सीड इज फ्लोर प्रिपेयर्ड. बेटा किस चीज से आटा बनता है, मस्टर्ड, वीट, कोरियंडर. Hurry up, give me the answer. मैं वीट. वीट, राइट. सो टिक कीजिए यहाँ पे, वीट की ऊपर टिक कर दो. नेक्स्ट, दिस सीड इज यूज एज स्पाइस. मसाले के रूप में किसको यूज करते हैं हम लोग, टर्मरिक, हल्दी, मेज, रूरल मिलेट. टर्मरिक, टर्मरिक, हल्दी, राइट. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करो. युवराज, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड टू. व्हिच न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीव्स. ये तो बहुत इजी है. अमन या फिर युवराज, आप बताओ बेटा. व्हिच न्यू प्लांट, कौन सा नया पौधा जो होता है वो उगता है पत्तों से, रेडिश से, या फिर कॉलीफ्लावर, या शकरकंदी था. मैं किससे बेटा, नया पौधा एक उगाना है हमने, और एक ऐसा पौधा है जो इसके पत्तों से ही उग जाता है. इसके पत्तों से ही नया पौधा निकलता है. क्या था वो, रेडिश था, कॉलीफ्लावर था, या फिर शकरकंदी था. कॉलीफ्लावर. नो,
मैम बताएं मरेड और कोई बताएगा बताओ युवराज यू टेल मी द आंसर युवराज हाँ जी तेजपाल यू टेल मी द आंसर शकरकंदी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which plant is grown from grafting? It's very easy. Again, Hanji Navdeep, tell me the answer. Marigold, rose, or patthar jad? Man, patthar jad. Beta, grafting bola hai. Crafting से रोज नहीं था यस मैम नो माइंड मैप सीड्स विच आर यूज टू ईट कौन से सीड्स हम लोग खाते हैं यस बेटा मैम वीट हाँ जी वीट और बताओ और कोई वीट के अलावा क्या खाते पीस खाते हैं ना पीस है ना पीस माय डियर पीस किल खाते हैं मांस राइट हियर एलमंड्स वॉलनट सीड क्या कह रहे तेजपाल मुझे आवाज नहीं आई बेटा एलसी सीड मैम एलसी सीड बेटा नेक्स्ट इज डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स मस्टर्ड सीड से क्या बनता है ऑयल राइट फर्स्ट इज ऑयल नेक्स्ट मैरीगोल्ड प्लांट इज प्लांटेड बाय शोइंग डैश सीड नेक्स्ट थर्ड सीड्स ऑफ डैश ट्रैवल इन द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है पंजी बेटा बताओ ओके नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स नवदीप आपकी बेटी बेटा रिस्पांस नहीं आ रहा आज कुछ बोल ही रहे आप एक्टिव इन योर क्लास यस टिक एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस टिक राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस All the plants are grown from seeds. सारे जितने पौधे होते हैं उनके बीजों से वो है ना कुछ जो होते हैं वो ग्राफ्टिंग से उगते हैं है ना कुछ उनके छोटे छोटे पीसेस हम लोग लगाते हैं ठीक है सो स्मॉल प्लांट्स सो स्मॉल पीसेस शुगर कैन आर प्लांटेड इन द फील्ड फॉर द प्लांटेशन ऑफ शुगर कैन छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं शुगर कैन के कहते हैं हम उनको खेतों के अंदर लगाते हैं शुगर कैन को प्लांट करने के लिए यस और फॉल्स इज इट ट्रू और फॉल्स
नेक्स्ट रोज इज प्लांटेड विद ग्राफ्टिंग, कहते रोज जो होता है ग्राफ्टिंग से प्लांट होता है, यस यस. नेक्स्ट सीड्स ऑफ जीरा आर यूज्ड एज स्पाइस, ट्रू यस. वाटर हायसिंथ जो होता है कहते वाटर में पानी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, राइट यस ट्रू. नेक्स्ट हाउ इज शुगर कैन प्लांटेड, ये लिखा हुआ है ना आपका, ये लिख दो स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर कैन आर प्लांटेड इन द फील्ड्स फॉर द प्लांटेशन ऑफ शुगर कैन. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. सिक्स मैम ये लिख सकते हैं वी प्लांट स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर कैन इन द फील्ड. हां जी मैं ये लिख सकते हैं वी प्लांट, थोड़ा सा घुमा फिरा के यहां लिख सकते हो, सेम ही है, सेम ही है जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही लिखा हुआ, सेम है ठीक है. Small pieces are of sugarcane planted in the fields for the plantation of sugarcane. Next, how are plants grown with grafting? Individual हमने पढ़ा था यहाँ पे. अम्मे, मम्मी ये मुझे कौन? मैं यहाँ से. Our team is cut from the road. Yes, but I also like that your twig is cut from the rose plant and is shown on the ground. And after a few days, leaves appear on the twig. Next question, third question, eighth question. How does plants grow on the roof? कैसे होता है? कई बारी क्या होते हैं? Seeds are carried away from one place to another by many ways. For example, birds take fruits to the roof and eat them. The seeds are left on the roof. The seeds of wild plant are hairy and are carried by wind from one place to another place. यहाँ तक लिख. युवराज आर यू नॉट राइटिंग, युवराज आप लिख नहीं रहे हो, छोटा होन ये हो नहीं सकता ये वाला जी? मैं का यहाँ पे जहाँ पे नहीं करना, एक मिनट हाँ बेटा क्या कह रहे हो, मैं का छोटा हो सकता है और छोटा कर दिया, आप बड़े नहीं हो रहे हो, छोटा सा तो है बेटा ऑलरेडी. नहीं मैम बोलो एट का हाँ क्या कह रहे हो, एट का और बड़ा कर दूँ, ये कह रहे हो? मैं एट का क्वेश्चन. हाँ नहीं मैम ये डबर्ट नहीं है, ये लिखा है हाउ डज प्लांट्स ग्रो ऑन द रूफ, जो प्लांट्स होते हैं रूफ के ऊपर कैसे उग जाते हैं, है ना, इसका आंसर क्या मैंने बता लिखा है बताओ, क्योंकि सीड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट वे से जाते हैं, कई बड़ी जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं फ्रूट्स को रूफ पे लेके जाते हैं, वहां पे खाते हैं और वहां पे सीड्स को छोड़ देते हैं, है ना, इस तरीके से वहां पे वो उग जाते हैं, ठीक है मैम. पर ये नहीं लिख सकते द बर्ड्स टेक फ्रूट्स टू द रूफ एंड इट देम द सीड्स आर लेफ्ट ऑन द रूफ इन दिस वे प्लांट ग्रोस ऑन रूफ. सेम ही बेटा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम ही है, थोड़ा सा आपने घुमा फिरा के लिख दिया, बाकी सेम ही, ठीक है मैम. नहीं वहाँ पे आधा है वो, वही समझ गई मैं आपकी बात, आप ऐसे कर रहे हो, दोबारा से दिखाना,
ऐसे कह रहे हो ना आप, सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय मेनी वेज, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड फ्रूट्स है ना, टू द रूफ एंड ईट देम, एंड यहां तक लिखो ऐसे कह रहे हो, यहां रूफ तक लिख के फिर आपने लिखना इन दिस वे है ना, ये कह रहे हो यहां तक लिख दो, उसके बाद इज ऐसे लिख दो इन दिस वे, यस मैम, प्लांट्स ऐसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रो ऑन रूफ मैं, लेकिन आपने जहाँ से माय समथिंग लिखा मैं उसके बाद उसकी आप बताओ, मैं आपने जो माय समथिंग लिखा उसके नीचे जो सेकंड लाइन का दा वाली लाइन है वहां से शुरू, ये काट दो ना बेटा, अभी यहाँ से लिख लो ये, और इजी करना है तो यस Yes, ma'am, यही कह रही हूँ आपसे। Birds take fruits to the roof and eat them. The seeds are left on the roof in this way. फिर यहाँ से लिख लो। ठीक है? In this way, plants grow on roof. Simple. मैं यही कह रही हूँ। Have you done, beta? Okay, next question. What is required for the growth of seeds? So it's very simple question. Three things are needed for the germination of seeds only: air, water, sunlight. We can also write here. जहाँ पे what लिखा है ना, देखो ध्यान से, जहाँ what लिखा हुआ है, इसको काट के आपने लिखना है यहाँ पर air, water, comma, sunlight, comma, यहाँ लिखो fertile soil, F E R. फर्टाइल सॉइल लिखना है यहाँ पे, ठीक है? फर्टाइल सॉइल ये नहीं लिखना कुछ भी, एयर वाटर सनलाइट एंड फर्टाइल सॉइल आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड. मैं यही एयर वाटर सनलाइट फर्टाइल सोइल, जी हाँ जी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सीड्स ऑफ गुड पटना एंड अंडा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ से था मैं, यस हाँ देख, यहाँ से मैं पुतकंडा, यहाँ से आ जाएगा Utkanda and good patna usually stick to the bodies of animals and reach other places. Okay, last question, ninth one. So this is your chapter number 8. Main 10th of seed. Main 10th question nahi, ye 9 hai, sorry 10th is 10th. This was your 9th question. Answer of 9th question and this is your 10th. Session is going to over. I'm sending you again the ID and password. Okay, just a minute is left. मैं दोबारा आपको ID password भेज रही हूँ, तो आप rejoin कर लेना.